अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज का पेपर वैसे तो अच्छा था, इट वॉज क्वाइट गुड, आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड। और फिर जो भी क्वेश्चन थे वो सब सिलेबस के अंदर ही आए, तो अच्छी बात है। एक आध क्वेश्चन में मैं अटकी, लेकिन फिर वो मैंने अच्छे से सोच के पेपर लेंथी तो नहीं था, मैंने हाँ नॉर्मल पेपर था और मैंने ओवर अटेम्प्ट कर लिया, और अच्छी बात है कि मुझे बाद में रिवीजन का भी टाइम मिल गया। एक्सपेक्टेशंस अभी पता नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, तो अभी होप है कि 90 के ऊपर आ ही जाएँ। पेपर अच्छा था, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था कि ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे या कुछ, उस हिसाब से ठीक था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, पेपर लेंथी था क्या? नहीं, लेंथी नहीं था, मतलब वो तो बच्चे पे भी डिपेंड करता है टाइम मैनेजमेंट, लेकिन फिर भी कैसा था? अच्छा था, मतलब टाइमली ख़त्म हो जाया था। अगर आप स्टार्टिंग से स्पीड रखो और ज़्यादा आप कहीं टाइम वेस्ट करोगे तो कोई भी पेपर लेंथी हो जाएगा। कुछ आउट ऑफ सिलेबस रखा? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, और एक्सपेक्टेशन कितनी मार्क्स आ जाएंगे? अब ये तो अब 100 में से 95 प्लस तो आ जाने चाहिए। आई होप बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा था। और क्या एक्सपेक्टेशन, कितने मार्क्स आ जाएंगे? मेरी एक्सपेक्टेशन 95 के अबव की है। कुछ बाहर का भी आया था आउट ऑफ कोर्स? नहीं, नथिंग वाज आउट ऑफ सिलेबस, कुछ बाहर का नहीं था। पेपर लेंथी था क्या ज़्यादा? पेपर लेंथी नहीं था, लेकिन शॉर्ट भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट पेपर था, टाइम लिमिट के हिसाब से अच्छा पेपर था। अच्छा गया, बिल्कुल नहीं लेंदी नहीं था, टाइम से पहले ख़त्म हो गया था। एक्सपेक्टेशंस हैं अच्छे आ जाने, 65 प्लस 70 प्लस। पेपर लेंदी बिल्कुल नहीं था, पेपर इजी था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था कुछ, सब कोर्स का था।